गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का। आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है ये। मैंने पढ़ा है बायोटेक को अपने मास्टर्स के दौरान, एमएससी के दौरान काफी सारे टॉपिक थे बायोटेक के, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी के। अगर सेक्टर को हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। आज मैं सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, वैक्सीन का प्रोडक्शन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी कोई नया इवॉल्व हुआ है, ये सदियों से चला आ रहा है, बस हमें अब उसको समझना है कि कैसे। मान लो जैसे वाइन का प्रोडक्शन है, तो शराब का प्रोडक्शन हजारों सालों से होता रहा है, तो ये भी क्या है, बायोटेक ही है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे वो प्रोसेसेस हैं, कौन से टूल्स हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बच्चों, बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करना जिससे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव के लाभ के लिए यूजफुल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, इसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी कई सारी टेक्निक है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन्हें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इसे हम जेनेटिक, इसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी समझेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है बच्चों। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मीन है, री यानी कि दोबारा, कॉम्बिनेंट कंबाइन किया हुआ डीएनए, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा डीएनए के अंदर कांट कांट करके उसको वापस से रिकम्बाइन करना, और इस तरीके का जो डीएनए होता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, ओके। सेकेंड लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक यानी कि जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा है यहाँ पर। इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाना जिससे उपयोगी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा सके, ठीक है। अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कोई आज की है, ठीक है ना, लेकिन इसको हम अब और डिटेल में पढ़ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि वाइन का, शराब का जो प्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यीस्ट के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा शराब का प्रोडक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंजीनियर का काम करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल के अंदर। तो ये सदियों से चला आ रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर से चला आ रहा है, ठीक है। सेकेंड लेते हैं घरों के अंदर अगर मिल्क से कर्ड बना रहे हैं तो वो भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड के अंदर, लैक्टो शुगर को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर, तो ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। ऑपरेशन थिएटर में जो हम एप्लीकेशन लगाते हैं वो भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। कई सारे इंडस्ट्रियल स्केल पर जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। मेडिसिन का प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी है, वैक्सीन का प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है जिसे हम और समझना हमें जरूरी है जिससे आगे इनको, इनका एप्लीकेशन सही से किया जा सके। तो अब कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। बैक्टीरियोफाज आप समझते हैं बच्चों, बैक्टीरियोफाज आप लोग जानते हैं कि फाज जो वर्ड है, PHAGE, फाज जो वर्ड है वो जनरली वायरसेस के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया, ये रिसर्च में पता चला कि जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं
जो कि बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कांट छांट देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो वायरल डीएनए को ये क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो ये एंजाइम पाए जाते हैं सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर, ये उनकी स्पेशलिटी है। तो ये किसने बताया, डब्ल्यू आर्बर ने ये बताया कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि वायरल डीएनए को कट कर देते हैं और इस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये चीज बताइए, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन, इसके बाद में आर्बर नाथन, ये तीन साइंटिस्ट हैं, नाथन एंड हैमिल्टन स्मिथ, इन तीनों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को डिस्कवर किया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ठीक है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, आर्बर नाथन एंड स्मिथ नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया इसको। अब बात करते हैं पॉल बर्ग की। जो पॉल बर्ग है, पॉल बर्ग जो है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में जाने जाते हैं पॉल बर्ग, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले SV40 के जो जीन है उसको एक बैक्टीरियल सेल के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जाने जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं डेफिनेशन की बात करूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है। बच्चों मैं पहले मैं जो डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बुक में एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखी है वो भी अपन बात करेंगे। मेरी जो डेफिनेशन है जो बायोटेक के लिए वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इज द टेक्निक ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द ह्यूमन वेलफेयर इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जेनेटिक मटीरियल के अंदर चेंजेस लाना जिससे यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करवाया जा सके इन द ह्यूमन वेलफेयर, दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उन्होंने डेफिनेशन क्या दी बायोटेक की, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड सेल्स देयर पार्ट एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजीज टू प्रोड्यूस यूजफुल सर्विसेज। दोबारा सुन लीजिए कि नेचुरल साइंस को सेल्स के साथ में, सेल्स के ऑर्गेनेल्स के साथ में, सेल्स के पार्ट्स के साथ में और जो मॉलिक्यूलर बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में इंटीग्रेट करना जिससे यूजफुल सर्विसेज को प्रोड्यूस करवाया जा सके, दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अगेन आई एम रिपीटिंग, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड सेल्स देयर पार्ट्स ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजीज
टू प्रोड्यूस यूजफुल सर्विसेज इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स के, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। इसमें दो स्टेप्स हैं बच्चों, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, द फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड वन इज बायोकेमिकल प्रोसेसेस एंड कंडीशन। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए सबसे पहला मैं आपको मेथड बताता हूं कि ये है क्या। मान लो इंडस्ट्रियल स्केल पर इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है। किसका प्रोडक्शन करवाना है? इंसुलिन का। तो इसको थोड़ा समझे आप, मैंने क्या किया, इंसुलिन का जीन जो है किसी एनिमल से बाहर निकाला, इंसुलिन के जीन को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब क्या किया, एक बैक्टीरियल सेल का जो प्लाज्मिड है उसके अंदर कट लगाया। ठीक है, और कट लगा के यहां पर इंसुलिन के जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो इस तरीके से बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस से बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस बैक्टीरियल सेल को बड़े बड़े टैंक्स के अंदर इंडस्ट्रियल स्केल पर मल्टीप्लाई करवाया गया न्यूट्रिएंट ग्रोथ के ऊपर, न्यूट्रिएंट ग्रोथ के अंदर। तो जितनी बार बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे उतनी बार प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई होगा और जो इंसुलिन का जीन है वो भी मल्टीप्लाई होगा और उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन होगा। तो एक ब्रीफ मैंने ये प्रोसीजर बताया, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और बेटर समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसुलिन का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। हमने यहां पर क्या किया, हमने पहले इंसुलिन के जीन को बाहर निकाला, यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म से हमने इंसुलिन जीन को लिया है वहां पर हमने उसमें उसके डीएनए के अंदर कांट छांट की है, कटिंग की है हमने वहां पर। ठीक है, इसके अलावा जिस बैक्टीरियल सेल का हमने प्लाज्मिड लिया है उसके अंदर भी हमने कट लगाए हैं, एंजाइम्स के द्वारा हमने कट लगाए हैं उनके अंदर। क्लियर होगी बात आपके? ठीक है, तो ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। हमने क्या किया, इंजीनियरिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए के अंदर चेंजेस किए हैं, कांट छांट की है, कटिंग की है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स द मैनिपुलेशन एंड कटिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेसेस एंड कंडीशंस, यहाँ पर आप देखिए कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, चाहे वो हार्मोन का प्रोडक्शन हो, चाहे एंजाइम का प्रोडक्शन हो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, चाहे वैक्सीन का प्रोडक्शन हो, लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल स्केल पर ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रिंसिपल ये है कि जिन भी इंडस्ट्री में, जिस भी प्लांट के अंदर, बड़े टैंक्स के अंदर ये बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, तो वहां पर जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो कंडीशंस हैं वो स्टेराइल होनी चाहिए। जहां भी आप हार्मोन या एंजाइम का प्रोडक्शन करवा रहे हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर, तो एकदम सैनिटाइज और स्टराइल कंडीशंस होनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो इन्फेक्टियस जो माइक्रोब्स है वहां वो ग्रो ना हो सके, नहीं तो प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ये जरूरी है कि ये जो मेडिकल फील्ड के जितने भी प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस कराए जाते हैं तो वो इन्फेक्शन लेस हो, और इसके लिए जरूरी है कि स्टराइल कंडीशंस होना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिनको अप्लाई करना किया जाता है और करना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशंस। मैं बच्चों एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग बने रहना क्लास के अंदर। कुछ डेफिनेशंस हैं,
जिससे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सम ऑफ द डेफिनेशन वी शुड बी डिस्कस। चलिए बच्चों कुछ डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग को तो मैंने बता ही दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्लाज्मिड और वेक्टर, प्लाज्मिड और वेक्टर, ठीक है। फिर लेते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर हम लेते हैं क्लोनिंग, क्लोनिंग। फिर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। और लाइगेज, ध्यान से देखिए बच्चों आप, यहां पर कुछ डेफिनेशन है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? ऐसा डीएनए जिसको कट करके जिसमें नया डीएनए इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो इस तरीके से जो डीएनए बनता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके, सेकंड लेते हैं प्लाज्मिड और वेक्टर। बच्चों जिस भी जीन से हमें इंडस्ट्रियल स्केल पर किसी हार्मोन या एंजाइम का प्रोडक्शन करवाना है, तो वो जो जीन है डायरेक्टली अगर हम किसी बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब तक हम बैक्टीरियल सेल के डीएनए में उस जीन को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो यहां पर हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो उस सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, और वो एज ए वेक्टर यूज किया जाता है। मान लो मुझे इंडस्ट्रियल स्केल पर इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है, इंसुलिन बेस्ट एग्जांपल है जो कि आपको जल्दी समझ में भी आता है। तो जो इंसुलिन का जीन है तो मैं डायरेक्टली बैक्टीरियल सेल में इसेरिचिया कोलाई बैक्टीरियम के सेल के अंदर डायरेक्टली ना डाल के उसको हम पहले एक प्लाज्मिड के अंदर इंकॉर्पोरेट करेंगे उसके डीएनए के साथ में, फिर उस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, तब जाके वो बैक्टीरियल सेल के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर प्लाज्मिड क्या है? एक वेक्टर है। प्लाज्मिड क्या है? एक वेक्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया है प्लाज्मिड के अंदर, वो तब तक रेप्लिकेट नहीं होगा जब तक उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ में ऐड नहीं किया जाता। यानी कि प्लाज्मिड के अंदर या डीएनए के अंदर वो पार्ट या वो सीक्वेंस जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस साइट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्लोनिंग। इस तरीके से बच्चों जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डिजायर्ड जीन को मल्टीपल टाइम कॉपी करना, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाना, ये क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। नेक्स्ट लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है मोस्टली बैक्टीरियल सेल के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं और ये किसी दूसरे वायरल डीएनए को रोक देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, कट कर देते हैं, जिससे उनका इंफेक्शन नहीं हो पाता है। ओके, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये बैक्टीरियल सेल्स को प्रोटेक्शन देते हैं, उसका बचाव करते हैं किसी भी वायरल पैथोजन या वायरल इंफेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं लाइगेज। बच्चों लाइगेज वो एंजाइम है जो कि डीएनए सीक्वेंसेस को जोड़ देता है, जो डीएनए सीक्वेंसेस में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कर देता है ये, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लाइगेज एंजाइम कहते हैं। ओके, चलिए 12th क्लास आगे पढ़ते हैं हम, प्रोसेस को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को समझेंगे, फिर हम टूल्स को समझेंगे। पहले मैं प्रोसेस को इसलिए बताऊंगा जिससे आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा, फिर हम स्टेप वाइज इसके टूल्स को समझते हुए आगे पढ़ेंगे। आप लोग रेगुलर रहें, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको अटेंडेंस लिंक सेंड कर रहा हूं, प्लीज आप अपनी अटेंडेंस फिल। हाँ बच्चों, अब देखिए प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं बच्चों फटाफट से, जिससे क्या है प्रोसेस को जल्दी से अपन समझ लेंगे।
यस बच्चों, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ध्यान से समझिए, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज खाली एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, जिससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर अपन पहले टूल समझेंगे कि करना कैसे होता है बायोटेक्नोलॉजी को। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों, स्टैनले बोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ठीक है, सॉरी स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में साल मोनेला टाइफी म्यूरियम जो बैक्टीरिया है वहां से एक जीन को बाहर लिया, जो कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिव जीन था। क्या था वो? एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिव जीन था। और उन्होंने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया, इस्टेरिसिया कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को बाहर लिया और उस प्लाज्मिड में कट लगाया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, और वहां एंटीबायोटिक रेजिस्टिव जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया, और इस तरीके से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ उसको इकोलाई बैक्टीरिया की सेल में इंट्रोड्यूस किया, और जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई हुई तो वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी साथ में मल्टीप्लाई हुआ, और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टिव जो जीन है वो भी मल्टीप्लाई हुआ, उसकी भी कॉपीज बनी, उसकी भी क्लोनिंग हुई। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस रहा। सपोज करो बच्चों, ये फॉरेन डीएनए है और इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा कट लगाया गया, सेम एंजाइम के द्वारा प्लाज्मिड के अंदर, वेक्टर के अंदर भी कट लगाए गए, तो यहाँ ये कट बन गया बच्चों, और ये जो है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिजायर्ड जीन है वो है। अब लाइगेज एंजाइम के द्वारा दोनों को साथ में रखा गया, जिससे लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये इस कट प्लाज्मिड के साथ में इनकॉर्पोरेट हो गया, और इस तरीके से बच्चों ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार हो गया है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसको बैक्टीरियल सेल, इकोलाई बैक्टीरिया की सेल में इंट्रोड्यूस किया गया, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर बाहरी डीएनए को फॉरेन डीएनए या एलाइन डीएनए भी कहते हैं। तो वो जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो बैक्टीरियल सेल के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, आपने 11th में पढ़ा था। तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से अब ये बैक्टीरियल सेल जो है इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब इसको जब कल्चर करवाया जाता है तो ये मल्टीप्लाई होती है और डिवाइड होती है, इसी के साथ साथ में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई होता है, उसकी भी क्लोनिंग होती है, उसकी भी कॉपीज बनती हैं इस प्लाज्मिड के साथ में। ओके बच्चों, तो इस तरीके से जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है उसको करवाया जाता है, ठीक है। आज बच्चों इतना ही करेंगे, इस टॉपिक को इतना ही करेंगे, कल की क्लास में हम टूल्स को समझेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स क्या क्या हैं उनको हम पढ़ेंगे। ओके okay?